बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां बाबा सिद्दीकी को लेकर के एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नक्सल कनेक्शन सामने आया है। बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के तीन आरोपी झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए गए थे, जहां तीनों आरोपियों ने AK-47 से प्रैक्टिस की थी। मुंबई पुलिस सूत्रों ने इस मामले में तीन गिरफ्तार आरोपी गौरव, रुपेश मोहोल और शुभम पुणे से झारखंड फायरिंग की प्रैक्टिस की बात ये सामने आ रही है। उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ में ही गौरव ने बताया कि झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में इन्हें AK-47 दी गई थी, जहां उन्होंने फायरिंग की तैयारी की। हत्याकांड का आरोपी शुभम अभी भी फरार है, लेकिन दो आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं, जहां इनसे जैसे जैसे पूछताछ की जा रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस बार ये नक्सल कनेक्शन बहुत बड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि AK-47 चलाने के लिए जो ग्राउंड चाहिए, जो पोजीशन चाहिए, जिस तरीके की प्रैक्टिस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ये सब कुछ इन्हें झारखंड जाके मिला। इन तीनों ही आरोपियों को झारखंड जाकर के AK-47 चलाने की ट्रेनिंग मिली। ABP News आपको रखे आगे।